नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी एसयूवी मेकर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की मोस्ट एंड पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के बॉडी डिजाइन, प्राइस, लॉन्चिंग डेट, फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को कई बार इंडियन सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी सपोर्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के एक्सटीरियर और डिजाइन की। तो इसके एक्सटीरियर में आपको नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल, फुली एलईडी हेडलैम्प विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी फॉग लैम्प हाउसिंग, एलईडी टेल लैम्प, शार्क फिश एंटीना, रूफ रेज, रियर स्पॉइलर विद हाई स्टॉप माउंट लाइट, रियर वाइपर, डुअल एग्जॉस्ट पाइप, बॉडी कलर ओआरएम विद टर्न इंडिकेटर, 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर में एसयूवी स्टाइल की स्किल प्लेट जैसे शानदार फीचर्स इसके एक्सटीरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके एक्सटीरियर को और प्रीमियम फील देने के लिए इसके अंदर आपको कई सारे क्लोम हेलमेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेदर फ्रेम चेसिस पर डेवलप किया गया। इसी के साथ इसकी डिजाइनिंग को नॉर्थ अमेरिका के टेक्निकल सेंटर के अंदर डेवलप किया गया है। जिस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया उसे देखकर लगता है कि जो न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो आने वाली है वो करंट महिंद्रा स्कॉर्पियो से पहले से ज़्यादा लंबी और पहले से ज़्यादा चौड़ी रहने वाली है, जिससे कि इसके अंदर आपको ज़्यादा कैबिन स्पेस मिलेगा। इसी के साथ इसके अंदर आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा व्हील बेस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर आपको बिल्कुल नए डिजाइन का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इसके इंटीरियर में आपको फ्रंट फेसिंग थर्ड रो इसके अंदर आपको स्टैंडर्डिटी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को कंपनी 2021 के सेकेंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल 2021 से जून 2021 तक लॉन्च कर देगी। इससे पहले कंपनी 2021 के जनवरी में अपनी न्यू जनरेशन एक्सयूवी 500 को लॉन्च करने वाली है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12 लाख रुपये से स्टार्ट होकर इसके टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपये तक रहने वाली है। बात करें इसके सेफ्टी की, तो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको डुअल एयर बैग, एबीएस विथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट, फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसके पहले इस नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको सनरूफ का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको 2.2 लीटर का एम होक डीजल इंजन मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 2 लीटर का एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन रहेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन थार के अंदर भी आपको देखने को मिला था। तो अगर आप भी नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो लेने की सोच रहे हैं तो आपको अप्रैल 2021 तक इंतजार करना होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे जो भी नई वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।